हाय, वेलकम टू अ सरोजनी नगर हॉल। इससे ज्यादा कुछ भी इंट्रो की जरूरत नहीं है इस वीडियो को। सो लेट्स बिगिन एंड लेट मी शो यू एवरीथिंग आई गॉट। द फर्स्ट कैटेगरी आर दीज बोहो बैग्स। ये जनपद से एक्चुअली मैं सारा दिल्ली का शॉपिंग दिखाने वाली हूँ आपको। And just look at how intricate the work is. Silver backdrop pe there's like purple work, kori work bhi hai and there's leather fringing. Aisi maine bag kahin nahi dekhi and love at first sight tha iska. Ye bag around 2000 rupees ki thi and I think it's totally worth it. If you are a boho lover, this is going to steal your heart. Ye ek duffel bag hai. It's a huge massive bag. And isme itna sara variety of work hai. There's mirror work, there's little pom-poms and intricate leather cross stitching going on. There's side pockets as well. This was for 2500 and yaar, I can't wait to take this out on a trip. Dono hai shop number 7 Gujarati Lane mein at Janpad. Agar aap thoda affordable side mein dekh rahe hai, then these kind of bags are there for like 400 rupees. Koi shop number nahi hai Gujarati Lane. Enter karte se right side pe there's this one little rack. Wahan pe ek chota sa thela hai. That's where you will get all of this from. Work isme bhi acha hai. There's tassels, white beads, golden beads. बट इसमें मशीन वर्क है वो दिख के आ रहा है। छोटी स्लिंग्स है गिफ्टिंग के लिए, दिस इज़ वेरी गुड। वाइल आई वॉज इन दिल्ली आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन टू यू कि वहाँ की वेदर कैसी है। पोल्यूशन एक जगह एंड ठंड एक जगह है, तो तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि आई नीड टू हैव अ बेटर स्किन केयर रूटीन इन दिस विंटर एंड आई ऑर्डर अ बंच ऑफ थिंग्स फ्रॉम फाइंड योर हैप्पी प्लेस। आ गए थे पैलेटा, मैं केम बैक, मैंने ट्राई किया है एंड दिस इज वॉट माई रूटीन लुक्स लाइक। फर्स्ट अप अ कैंडल, आई के नॉट मिस आउट ऑन इन विंटर्स, क्योंकि विंटर्स में मुझे इतना आलस आती है। लाइक आई लव सिटिंग इन वन कॉर्नर एंड डूइंग माई वर्क रादर देन कमिंग एंड सिटिंग ऑन माई डेस्क। तो मुझे वहाँ पर कैंडल जलाना बहुत अच्छा लगता है एंड दिस फ्रेग्रेंस इज अ सनकिस्ड ओशन वेव्स रिवाइविंग सेंटेड कैंडल एंड ओ माई गॉड इट इज सो रिफ्रेशिंग। इसमें सी सॉल्ट एंड वाटर ब्लॉसम की बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, प्लस इट स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम। लाइक इट्स नॉट लाइक इट्स बर्निंग एंड यू कॉन्ट रियली स्पेल इट। अगर आपने जलाया इन 2 minutes, यू कैन जस्ट एक्सपीरियंस द एंटायर रूम एज इफ यूर ऑन अ बीच एंड दिस डेफिनेटली टेक्स मी बैक टू माई बर्थडे मेमोरीज इन गोवा। तो दिस इज वॉट आई स्टार्ट ऑफ माई रूटीन विद। नेक्स्ट अप, आफ्टर ऑल द प्रोक्रेस्टिनेटिंग, वंस आई गेट इन टू द शावर, मैं बाहर नहीं निकलती बिकॉज गर्म शावर जस्ट फील्स वेरी वेरी गुड। एक्चुअली फील्स लाइक अ ट्रॉपिकल लोकेशन। सो आई लव दिस बॉडी वॉश बाय फाइंड अ हैप्पी प्लेस। दिस इज अ सनकिस्ट ओशन वेव्स रिवाइविंग शावर जेल। आई लव द कलर ऑफ दिस इटसेल्फ, फर्स्टली बिकॉज इट्स अ ब्यूटिफुल सी ग्रीन color, reminds me of like the seaweed. It's sulfate free, paraben free, so actually it feels like a very nice experience. जो दो पल की शांति मिलती है गर्म पानी में in the shower while we are enjoying that. It's not drying on the body, मतलब ऐसा feel नहीं होता है एकदम dry dry after I come out of the shower. It's very moisturizing and the fragrance is long lasting. It's not like something that wears off pretty quickly. To follow up with this, quite often I like to go in with the body scrub. This is the Find a Happy Place Sunkissed Ocean Waves Reviving Gentle Sea Salt बॉडी स्क्रब। एंड विंटर्स में बिकॉज वी स्टेप आउट एकदम कम ना, आर स्किन टेंड्स टू गेट वेरी ड्राई एंड फ्लेकी एंड अ बॉडी स्क्रब इज वेरी वेरी गुड फॉर जेंटली एक्सफोलिएटिंग योर स्किन। द की वर्ड बींग जेंटल, इफ दे आर हार्श ऑन योर स्किन टेम्पररीली आपको बहुत अच्छा लगेगा, बट देन इट इज स्टार्ट क्रिएटिंग माइक्रो टेयर्स ऑन द स्किन विच इज नॉट गुड। इसमें रियल सी सॉल्ट है, नेचुरल सी सॉल्ट, लाइक इट सूदिंगली एक्सफोलिएट्स योर स्किन एंड लीव्स यू विद सो मच ग्लो ऑन इट आफ्टर दैट। कोई मॉइस्चर स्ट्रिप ऑफ नहीं करेगा, रादर इट कीप योर स्किन हाइड्रेटेड एंड ग्लोइंग। एंड द वन प्रोडक्ट दैट एवरीबडी विल रिमूव स्पेशली इन विंटर्स इज अ बॉडी बटर और अ बॉडी लोशन। आई लाइक यूजिंग दिस पर्टिकुलर बॉडी बटर क्योंकि दिस हैज कोको बटर, शिया बटर, वाइटामिन ई एंड एकदम लाइट वेट है, नॉन स्टिकी है, तो हमारे ये इंडियन वेदर के लिए परफेक्ट है क्योंकि मुंबई में करंटली दिस सिटी कैन नॉट मेकअप इट्स माइंड। एकदम ठंड हो जाती है रात को, दिन में कभी कभी चटके लगते, इतनी गर्मी होती है एंड दैट इज़ व्हाई माई थ्रोट इज़ लाइक दिस बिकॉज I don't know what to do about it. Just right off the bat, you can see how like jelly-like and lightweight it is. Normally, body lotions ko itna ragadna padta hai na, but this body butter is just super good. This is Find a Happy Place's Sunkissed Ocean Waves Reviving Souffle Body Butter. True to its name. I think this is a great new brand that's now available in India and on Nykaa. So, main sab link kar rahi hu niche. Definitely check it out if you're looking to have a great skincare regime this winter. Sarojini Nagar mein kapde yaar itne acche milte hai ki if you look at the right place, you will find great stuff. Like, look at this Argyle sweater. Last year hi maine H&M pe dekha tha ye like for 2000 rupees plus or something. This I got for less than 200 rupees and iske pastel colors, just the entire print of Argyle is so well done. And of course, since I like it so much, we got one more Argyle one. ये तो same color scheme की देखी थी यार मैंने online. I love this one. तो इसको style करना is very interesting.
You can actually pair it up on a white shirt. I've seen like a bunch of runway looks like this. And Sarojini Nagar mein 100 rupees ke white shirt ke stalls bahut sare hote hain. You can find unique ones or you can pick up basic ones like this. Iska material actually bahut interesting hai. Thoda sa soft hai, stretchy hai, which I thought was a good material to invest in. I mean, 100 rupees mein to kya investment, but something that I saw myself wearing. I don't like to buy one time use items. Even if it is cheap, it's not good for the environment. So even if I'm street shopping, main aisi cheeze leti hu jo main actually bahut baar pehnu. So this was one of those buys. Main na green tea leke baithi hu kyunki mera gala अभी मेरी जितनी आवाज़ निकल रही है ना, एक हफ्ते बाद आवाज़ निकल रही है इतनी, क्योंकि बिना आइसक्रीम खाए मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हो गया. वो मुझे इतना दुख हुआ कि एटलीस्ट कुछ खा के हुआ होता तो वर्थ होता. नथिंग आई हैड एंड माई थ्रोट वेंट बैड. बट स्कर्ट्स, सो आई हैड दिस फेज इन कॉलेज टाइम कि मैं स्कर्ट्स एंड स्टॉकिंग्स बहुत पहनती थी. एंड देन व्हेन आई गेन्ड वेट आई लॉस्ट ऑल कॉन्फिडेंस एंड आई स्टॉप्ड वेयरिंग स्कर्ट्स. सो व्हेन आई सॉ दीज एट सरोजनी आई वाज लाइक हेली, It's time to get back and enjoy wearing what you used to wear before. तो सबसे पहले मैंने denim skirt लिया. This was for 250 rupees. Very smart because इसके आगे जो दो pockets हैं, they're well made and this doesn't currently fit me. हम gym जा रहे हैं, हम फिट हो जाएंगे इसमें. And then I got this pink skirt as a part of my 500 rupees outfit challenge. And oh my god, this fits so well. This looks so good. It's actually some new look. It's a UK based brand. And this was for 200 rupees or 150 rupees or something. Crazy stuff it is. इसका exact shop number मुझे पता है. I'll leave it here in the text format for you because I don't remember. But मैंने notes में लिख के रखा है. ये particular shop में से ही मैंने सारे skirts लिए because वो एक ही shop में मुझे अच्छे skirts लगे and they had like इस पे टैग है अभी भी. They had brand new export reject skirts. So मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी है उनकी. दिस वन इज फ्रॉम नेस्टी गैल एंड आई हैव द सेम कलर का पाउडर ब्लू जैकेट. आई पुट इन द रील ओवर हियर जिसपे मैंने दोनों मिलकर स्टाइल किए एंड बहुत अच्छा लग रहा था. सेम प्राइस आई गॉट 7 स्कर्ट्स फॉर 1,400-1,500 समथिंग. सो रफली 200 रुपीज़ की प्राइस रेंज. दिस मेटालिक स्कर्ट ये मम्मा ने लिया था मेरे लिए. अगेन आई थिंक आई शो यू हाउ वी स्टाइल्ड इट. ये क्रिसमस आउटफिट ले रहे थे हम एक दूसरे के लिए एंड दिस वाज अ पार्ट ऑफ हर आउटफिट दैट शी वॉट फॉर मी. सुपर दे, ये बहुत हॉट लगता है. इसमें छोटा सा कट है. आई एक्चुअली प्लान टू वेयर दिस ऑन न्यू ईयर्स इज वेल अगर वो मौका मिले. दिस इज़ फ्रॉम मिस मैंगो साइज 12. आई बॉट अ बंच ऑफ मोर स्वेटर्स. वन इलेक्ट्रिक ब्लू स्वेटर जो टेक्निकली मम्मी ने लिया है लेकिन मैं बहुत पहनूंगी बिकॉज दैट कलर इज इन राइट नाउ. एंड आई एम गोना पेयर इट विद दिस ब्लू स्कर्ट दैट आई हैव इन माइंड. वो भी सरोजनी से ही लिया हुआ है. एंड दिस ऑरेंज स्वेटर, ओ माई गॉड, 100 रुपी के जो स्टॉल्स हैं. सो इफ देर आर लाइक 100 स्वेटर्स ऑन द ट्रैक ना, इट्स पॉसिबल कि आपको दो ही पसंद है. बट द थिक केबल नेट स्वेटर्स इज वॉट यू शुड गो फॉर. मैंने सारे के सारे वैसे ही लिए. आई वॉट लाइक 15 स्वेटर्स फॉर हिमानी क्योंकि वो इंडिया आई थी फॉर अ बिट. शी इज़ गॉन टू लंडन फॉर फर्दर स्टडीज. एंड इमेजिन 15 स्वेटर्स इन 1500 में एक भी स्वेटर नहीं मिलता वहाँ पे. एंड दीज आर ग्रेट क्वालिटी. सो दैट्स वॉट आई थिंक यू शुड कीप एन आई आउट फॉर. मोटे चंकी स्वेटर्स, देर एक्सपोर्ट रिजेक्ट्स, देर नॉट सेकेंड हैंड, सो देर ग्रेट टू बाय. Moving on to footwear because यार ये Kim's दुकान, I don't know where we were living, like definitely under a rock because I haven't seen anybody talk about it this openly. उनके यहाँ ना सेल रहते कभी कभी where you can buy 3 heels for 1500, total 1500 which means per heel is for 500. मैंने मेरे 5000 रुपी शॉपिंग चैलेंज में भी दिखाया था ये. But there are more heels that I bought which I left to show you. I went for my first clubbing night to Dragonfly and I wore these heels and nobody was willing to believe I got these for 500 rupees from Sarojini because just look at it. इसकी हील सिंड्रेला की स्लिपर जैसी है एंड आगे से इट लुक्स वेरी शीक. 500 रुपीज गाइज. आई वो देम फॉर डांसिंग. आई वो देम फॉर 3 hours एंड आई वॉज डांसिंग एंड दे वेरी कंफर्टेबल. कुशनिंग इज एक्चुअली गुड. सो चेक इट आउट. You have to check it out if the sale is there. वहाँ पे ना सिर्फ ऐसे वेस्टर्न हील्स नहीं थे, वहाँ पे ऐसे इंडियन वेयर्स भी थे लाइक कोल्हापुरी वेजेस. ये मम्मा के लिए लिया था मैंने एंड आई लाइक दीज वंस बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम पूरा सिल्वर वर्क में देखा. नॉर्मली गोल्डन गोल्डन बहुत रहता है. सो दिस विल गो वेरी वेल विथ लाइक कूल टोन कलर्स, ब्लू, वायलेट, पर्पल. एंड इसकी क्वालिटी ओके ओके है बिकॉज इसका जो गोल्डन वर्जन हमने लिया था उसका सोल 2 घंटे में निकल गया मम्मा ने बताया. सो यू मे हैव टू गेट दिस स्टिच बट फॉर 500 रुपीज़ आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड डील. मेट्रो में वी बॉट देम अ कपल ऑफ मंथ्स अगो फॉर 2000 एंड समथिंग. सो दैट्स द प्राइस डिफरेंस. हील्स, आई डोंट नो इफ यू आर रेडी फॉर दिस बट लुक,
दीज आर द रियल सिंड्रेला स्लिपर्स आई फील, क्योंकि ये पूरे ट्रांसपेरेंट है, नीचे न्यूड सैटिन मटीरियल है, तो इवन वेन यू वोन देम दे डोंट लाइक स्टैंड आउट, दे मर्ज विथ योर लेग्स सो सटली. एंड द शो स्टॉपर इज इसके टाई अप स्ट्रैप्स पे पूरा डायमंड डिटेलिंग है, सो वेन दे एक्चुअली गो ऑन योर लेग इतने सुंदर. एंड देयर इज अ ट्रांसपेरेंट ट्विस्टेड हील, येस फॉर 500. देन आई फाउंड दीज बेबी पिंक हील्स, किटन हील्स है इनकी, पीछे से इट्स वेरी स्मॉल, देयर टाई अप इज वेल एंड पॉइंटेड, पॉइंटेड टोज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. एंड बिकॉज इसकी हील इतनी बड़ी नहीं है, देर मच मोर कम्फर्टेबल टू वेयर. एंड द सेकेंड कलर ऑफ द सीजन आफ्टर रानी पिंक, दिस ब्यूटिफुल बॉटल ग्रीन कलर, अगेन अ लिटिल नाइस किटन हील विथ अ वाइडर बॉटम एंड ट्रांसपेरेंट अपर स्ट्रैप, टाई अप्स, वेरी ट्रेंडिंग. देन दीज फ्लोरल हील्स, ये एक्चुअली देशिता ने मुझे जबरदस्ती खरीदवाया, आई डू लव देम, बट शी इज लाइक दीज स्क्वेयर toes is something unique and we don't really have them in our wardrobe right now, so I like that is why I tried them on and they actually look very nice pehenne ke baad. Then you know my saalo purana habit ki agar kuch cheez pasand aa jaye main usko do teen colors mein leti hu. Bahut time baad maine exercise kiya hai, to don't tell me off in the comments, but wo first wale heels itne acche lage ke I got them in a white. White heels you can never go wrong with, and you know you look taller in white, elongated look aata hai, so I got them in white, them in the color of the season, Rani Pink, with the Valentino launch and the Louis Vuitton exclusive India collection launch, everybody's going crazy after this color, so I was like chalo hum bhi try kar lete, but Sarojini style, so I got them for 500 rupees. Last two heels. यार मैं कैसे लाई हूँ, मैंने कूरियर किया है सब वापस खुद को दिल्ली से, क्योंकि माय वजन वाज फुल, फ्लाइट से आने का यही एक दिक्कत है, लेकिन ठीक है हो गया, कैसे तो आ गया इन टू डेज. दीज आर ब्लैक हील्स, ब्लैक एंड गोल्ड हील्स, जो देख के ऐसे थोड़े वियर्ड लग रहे थे, बट ओ माय गॉड आफ्टर आई वोर देम आई फेल्ट लाइक दे लुक सुपर हॉट, तो आई बॉट देम. चंकी न्यूड सैटिन हील्स, एंड अगेन जब भी कोई ऐसा न्यूड कलर का हील रहता है, यू शुड ट्राई टू मैच योर स्किन कलर एज मच एज पॉसिबल. इफ़ योर स्किन टोन इज़ लाइटर देन दिस और डार्कर देन दिस, ट्राई टू गेट अ सिमिलर मैच, तो इट मेक्स यू इंस्टेंटली लुक टॉलर एंड इट जस्ट लुक्स वेरी वेरी सेक्सी. अबाउट दीज लास्टली फॉर 500 रुपीज, तो यू गॉट अ गो टू दिस प्लेस यार, लाइक अगर आप सरोजनी जा रहे हो जस्ट लुक फॉर किम्स एंड आस्क इफ दे हैव दिस ऑफर, बिकॉज दीज आर रियली रियली गुड पेयर्स ऑफ फुटवेयर. एंड लास्टली मैंने बहुत सारी ज्वेलरी ली, बट वेट एक बैग दिखानी रह गई. आई गॉट दिस फ्रॉम चांदनी चौक, क्योंकि इस पर पूरा बीड वर्क था, आई वॉज जस्ट ब्लोन अवे कि यार द शेवरॉन प्रिंट लाइक द स्ट्राइप्स दे ऑल्सो लुक वेरी नाइस, द वेराइटी ऑफ बीड्स यूज इज वेरी नाइस, तो बहु एलिमेंट दे रहा था. वाइल शादियों में भी कोई भी कलर मैच कर गया ना लहंगे के साथ, ये बहुत मस्त लगेगी. सो आई गॉट दिस फॉर 1500 रुपीज रफली, एंड आई थिंक इट्स ग्रेट. ज्वेलरी यार, जनपद इज द प्लेस फॉर ज्वेलरी, सरोजनी भूल जाना, बिकॉज इतने यूनिक पीसेस मिलते हैं वहाँ पे. इन माई क्रिसमस विडोज वेयरिंग दीज जिंजर ब्रेड हाउस इयर रिंग्स, देयर फ्रॉम जनपद, आई थिंक दे वर फॉर 350 या 400 रुपीज, लेकिन इतना सुंदर डिटेल्ड काम है उस पर. एंड सेम जो कैसे आई गॉट दीज क्रिसमस ट्री इयर रिंग्स, लुक एट दीज, इतने प्यारे लगते हैं ना यार. आई थिंक इवन दीज वर रफली 300. द थिंग इज कि मैंने बहुत सारी चीज़ें ली, आई थिंक मैंने 30 या इतने ही इयरिंग्स लिए थे उनसे, तो मुझे इंडिविजुअल प्राइसेस अब नहीं पता. लाइक यू जस्ट टेल हिम, शो हिम दिस वीडियो, टेल हिम यू वॉच दिस वीडियो, आई एम श्योर दे विल गिव यू द बेस्ट रेट बिकॉज ऑफ दैट. नेक्स्ट आई गॉट दीज बालीज, फैब्रिक है इस पर, बीड वर्क है, एंड देन देयर आर लिटिल हैंगिंग्स लाइक टैसल्स राइट हियर. इतने स्टेटमेंट है ये विद अ बन एंड अ ब्लैक साड़ी, it will make you feel like a full Bollywood lead heroine, like I love these a lot. Even the jhumkas over there were very unique, like upar se there's a stud but then niche se it's like a twisty, and then there are ghungroos jiska bahut meetha awaaz aata hai. Cloth and boho ka combinations were also very much fun. I got one previously in the vlog that you saw, the red one, and maine blue wali bhi liye because bahut sundar chote chote mirror work and ghungroos hai is pe. Fir oh my god these आज ये सौ ये एक निकल गया, बट देन दीज आर वेरी ईजी टू फिक्स. इसका जंप रिंग इज स्टिल ऑन दिस, जंप रिंग में खाली एक गैप आ गया, तो ये तो 2 मिनट का काम है, आई जस्ट कीप इट सेफली. बट ये बड़े बड़े झुमके देर वेरी ट्रेंडिंग ऑन इंस्टाग्राम, आई सीन देम गो फॉर लाइक 1.5 to 2,000, वहाँ पे तो इट्स फॉर 350-400 रफली. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली देर वेरी लाइट वेट, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बड़े बड़े झुमके, एंड दैट्स व्हाई आई बॉट लाइक अ बंच ऑफ दीज फ्रॉम देयर. क्वर्की प्लेन व्हाइट कुर्ती पे ऐसे एक्सेसरी स्टाइल करने से योर लुक एक्चुअली बिकम्स वेरी फन.
and these multicolored mirror earrings. These are like Afghani earrings, and I love these. Not ye sab pieces I haven't even seen in Hill Road or Colaba. Ye Mumbai collection hai nahi. This is typical Bohoj stuff that is very very Delhi exclusive. Check these cylinder earrings out. They have like a rectangular cylinder with kungrus at the bottom and mirror work at the top. Like everything in one thing. Fabric ho gaya, mirror work ho gaya, brass ones. These ones were very expensive. I was quoted 1800 for this. I think isme kuch to ya to real silver hai ya to real brass aisa kuch to hai. But even the beads ka quality is very nice. Very very heavy these are. In weight also and in look also. Yeah, lastly the category I was just showing you in the starting. Wo Christmas tree wale se bead work ke earrings maine bahut dekhe udhar and at a very great price. Price point. So if you like these kind of things, you can check United Traders. That is shop number 2 mostly in Janpat when you enter from like the main gate on the right hand side. But I loved shopping at Delhi so so much. I can't wait to explore more places like these. मैं बहुत जल्दी एक पूरी नई कंट्री जाने वाली हूँ. गोना बी गोइंग अलोन. मैं आपको सब बताऊँगी थोड़े टाइम बाद. वंस द वीज़ा कम्स आई डोंट वांट टू जिंक द वीज़ा. नज़र ना लग जाए उस वीज़ा को. वो आज है फिर मैं आपको सब बताती हूँ. वी विल प्लान टुगेदर फॉर दैट ट्रिप. लेकिन इफ़ यू एन्जॉयड वॉचिंग दिस वीडियो देन डू गेट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर फ्यूचर वीडियोज. डू चेक आउट फाइंडर हैप्पी प्लेस प्रोडक्ट्स आर देयर वेरी वेरी गुड एंड दे सॉर्ट योर कंप्लीटली फॉर विंटर. आई एम लिंकिंग एवरीथिंग डाउन बिलो. इफ यू डिड नॉट एन्जॉय वॉचिंग दिस वीडियो बिंदास गिव इट अ थम्स डाउन. आई विल सी यू इन अ ब्रांड न्यू वीडियो very very soon. Until then, goodbye.